कई दिन से पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने जा रहे थे। आपको बता दें कि एक हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली में भी कई ठिकानों पर भी दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन सुशील कुमार हाथ नहीं आया। कल लगातार अफवाह उड़ती रही कि सुशील कुमार को पंजाब से अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ओलंपिक विजेता पहलवान लगातार किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देता रहा। मिली जानकारी के अनुसार पहलवान सुशील कुमार अलग नंबरों से अपने करीबियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें पहलवान सुशील कुमार की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उन्हें दिल्ली से ही अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया था, जबकि उनके साथी अजय पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर करमबीर के नेतृत्व वाली स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को अरेस्ट किया है। इस टीम को ACP अत्तर सिंह सुपरवाइज कर रहे थे। आपको बता दें कि सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के बाद भी पहलवान सुशील कुमार लॉरेंस बिश्नोई और काला जखेड़ी गैंग के बदमाशों को साथ में लेकर स्टेडियम में दाखिल हुए, जहां एक रेसलर के दूसरे पक्ष से उनकी मारपीट हुई, जिसमें एक रेसलर सागर राणा की मौत हो गई थी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।